यार सुन, मैं ये सोचता हूं, अर्ज कर रहा है कि कोई शख्स है, अगर उसको किसी से मोहब्बत हो जाए, अगर बोले सुभान कितनी अजीब बात, मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत हो जाती है आदमी को, बेख्तियारी भी है और अख्तियारी भी है। तो अल्लाह के नबी, अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, यानी मोहब्बत का जो म्यार है उसकी तरफ इशारा फरमाया है। क्या मोहब्बत? कि भाई ऐसी मोहब्बत ही होती है ना कि उसको देखे हुए और चैन भी ना हो, उसकी ज़ियारत में लुत्फ आए, उसकी बातें सुनने को दिल करे कि बस उसी के साथ बैठा रहे आदमी, उसकी याद में बेकरार रहे, सब कुछ उसकी मोहब्बत में लुटाने के लिए तैयार रहे। खिदमत हो तो आला दर्जे की खिदमत, बिलौस खिदमत करे जहाँ तक कोशिश हो सके, उस शख्स को राज़ी करने की कोशिश करे, उसकी नाराज़गी से डरे। यही मोहब्बत है ना भाई, आप जिससे मोहब्बत करेंगे, जो कहे तो उस पर अमल करे, उसी बातों को माने, उसी के रंग में ढले। ये कहने का मतलब था, ये मोहब्बत किसी को हो जाए। फिर फरमाए कि लेकिन चक्कर ये है, मोहब्बत तो ऐसी हो जाए किसी को, और किससे? अनरजला, वो खास आदमी। खास आदमी से मुराद जो इशारा किया उन्होंने क्या था, कि ये ना हो कि दुनियादार, अनरजला यानी वो आदमी हो जो अल्लाह को महबूब हो। माशा, ये देखें रास्ता खोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये इबादत बता रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है, उन्होंने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी सुन्नत, वला यस्तती हो बेअमल है, नहीं कैसे रास्ता खोल ले। अब ये नियत कर ले अल्लाह ताला से, यही इबादत हम करने का काम बन जाए हमारा। इसलिए हदीस सुना रहा हूँ आपको, मतलब बातें करने का मतलब तो यही है ना कि हम सब अल्लाह को पालें, वही तो रास्ता मिल जाए हमें जिससे अल्लाह को पालें। भाई पता नहीं नमाजें कबूल होती हैं हमारे, जिक्र का क्या हालात हैं, कुरान की क्या हालात हैं, हज व ज़कात के, तो इसको इस रास्ते को भी देख लें, शायद सूट कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरी तो नहीं है कोई रास्ता ही, लेकिन अर्ज ये कर रहा हूँ, हो सकता है ये मोहब्बत वाला रास्ता मिल जाए। जैसे मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत का रास्ता भी मोहब्बत है, तो मोहब्बत मिल जाती है, शायद ये ज़ौक जाग जाए हमारा कि इसी तरीके से मोहब्बत हो जाए मैं किसी से। अल्लाह जला खास आदमी ऐसा ही हो जो अल्लाह से प्यार करता हो, अल्लाह उससे प्यार करता हो। लेकिन बात ये यार सोचलो कि मोहब्बत इस दर्जे की है कि बिल्कुल जैसे मैंने आपको अर्ज की, लेकिन अब ये तो मुश्किल है ना, लाश सस्ती हो कि वो तो अल्लाह का महबूब इंसान है, इतना मुझे दर्जे पर है, कहाँ वो और कहाँ मैं। अब मेरे तो हमारा इतने बड़े नहीं हो सकते, मेरे तो खास नमाजों में इतना नहीं हो सकता, मेरी इबादत में इतना अखलास नहीं हो सकता, और यकीनन मुझे यकीन है कि उसके दर्जे तो अल्लाह के नज़दीक बड़े बुलंद होंगे, पत्नी कहाँ उसको अल्लाह मुकाम दे, तो बड़ा आदमी है तो लेकिन मुझे क्या करूँ, मुझे दिल पे अख्तियार नहीं, दिल दे बैठा हूँ उसको, इश्क हो गया मुझे। अब तो ये अजीब मामला हो गया ना, मेरे दिल पे अख्तियार है, देखा मुझे इश्क हो गया उस आदमी से, मोहब्बत ऐसे दर्जे की होगी बाला ना मेरी, और लेकिन मेरा जरा उसका जोड़ ही नहीं है, वो कहाँ और मैं कहाँ, कैसे मामला होगा। सुनी सुना दी पूरी, नबी हम सुन रहे सारा साहब, अच्छा अब ये तो मुझे आप बताएं कि फिर उस आशिक का बनेगा क्या, सुभान अल्लाह, जिसमें उस आशिक का कोई अंजाम भी है तो बनेगा कुछ मामला उसका। वंता मा मन अहबबता, मैं अल्लाह का रसूल तुझे कहता हूं कि तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, बेशक तेरे अमल उसके बराबर ना हो, उस मुकाम को तू ना अमल कर रहा हो। लेकिन ये इबादत ऐसी है, मोहब्बत भी कितनी बड़ी इबादत है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसी इबादत को आदमी पकड़ ले अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी से प्यारी कर ले, इसमें क्या गुजरता है, और किसी में हम कमजोर हैं तो अल्लाह से यही मांगे, अल्लाह ताला कोई ऐसा इंसान दे कि जिसको मैं देखूं, मुझे देखे और मैं प्यार हो जाए उससे, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, क्या बड़ी बात है, उसके जलों में घूम हो जाए आदमी। क्योंकि ये चीज़ तो पहले अल्लाह नीत से मांगनी पड़ती है कि अल्लाह ताला मैं तुझे पाना चाहता हूँ और तेरे रास्ते बेनतहा, कमज़ोर सा आदमी हूँ। तो मैंने तो ये भी सुनी है बात एक दीवाने से,
जब उन्होंने ये बात की कि अंता बेफिक्र है तू, मुझे पता तू ही है वो माँ मान आप अपना उसी से साथ हो जिससे तू मोहब्बत करता है, तो फिर अल्लाह की दुनिया के अंदर तो अल्लाह के बड़े बड़े महबूब बंदे हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए इखलास चाहिए, मोहब्बत भी। मैंने आपको अर्ज तो की ना, मोहब्बत वो क्या सी मोहब्बत हो, मोहब्बत भी देख के इंसान वैसी हो जैसे वो आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे सिंसियरली इखलास के साथ आदमी मोहब्बत करे, तो ये मोहब्बत भी जो हिदायत का नहीं जाती, सब इबादतों से ऊपर दर्जा ले जाती है, किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत जो है सारे इबादतों से ऊपर दर्जा ले जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और घंटी दे दी अल्लाह के नबी ने कि जहाँ वो होगा आदमी जिस मुकाम पर वो होगा इंशाल्लाह उसी मुकाम पर तुझे ही पहुँचा दिया जाएगा। तो मोहब्बत की कशिश देखें आप कि दुनिया में खींच लेती है अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को, आखिरत में वो खींच देगा अपनी मोहब्बत में।